in sustainable developers leadership and public engagement established him as a prominent figure in the field of economics, enriching scholarship, industry, society at large. अच्छा, आपके साथ भी सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि इस वक्त क्या करंट इकोनॉमिक आउटलुक है पाकिस्तान का आपके पास, कंसिडरिंग बोथ इकोनॉमिक एंड ग्लोबल फैक्टर्स. ओवर टू यू. थैंक यू माय ट्रेजर. अच्छा, मैं हमेशा गुफ्तगू का आगाज किसी शेर से करता हूँ, तो मैं इस तरह से कहूँगा कि जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ. कंडीशंस, कुछ बातें मैं अयूब मेहर साहब की गुफ्तगू से और आपकी गुफ्तगू से अक्स किया है मैंने. कुछ बातें जो मैं पहले अर्ज करना चाहता हूँ उसमें यह है कि अयूब मेहर साहब ने कहा था, नाजुक मोड़ की बात की थी हार्वर्ड स्टडी की, फिर अयूब मेहर साहब ने डिस्कस किया 1950 में पब्लिश हुआ था, दैट इज पाकिस्तान इज द हार्ट ऑफ एशिया जी. और मैं सरप्राइज होता हूँ डॉक्टर साहिबा, एशिया से नाजुक मोड़ की तरफ. बिल्कुल, हार्ट ऑफ एशिया से, एंड स्टिल पाकिस्तान इज द गेटवे ऑफ एशिया, यू बिलीव मी. अब ये खत्म क्यों हुआ, इसके पीछे मैं आपको वजह बताऊंगा कि किस तरह से हमारी जो है लॉजिस्टिक और ओवरलैंड ट्रांसपोर्टेशन की इंडस्ट्री को तबाह किया गया है, किस तरह से ये 30% कम से कम जीडीपी में जिसकी कंट्रीब्यूशन हुआ करती थी, आज उसकी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 5% रह गया है. जो सामान हम तरसील करते थे कराची से लाहौर, जो 5000 में या 25,000 में चीजें चली जाती थी, आज वो सामान कराची से लाहौर जाने में 2.5 लाख रुपया लगता है. आप मुझे बता दीजिए जब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इस लेवल पे चला जाएगा तो ये इंडस्ट्री सरवाइव कर सकती है क्या? ये अलग पहलू में बात करूंगा कि किस तरह से लॉजिस्टिक इंडस्ट्री पाकिस्तान की तबाह व बर्बाद हुई है और किस तरह से हम गेटवे ऑफ एशिया होने के बावजूद हम इसको कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं. डॉक्टर साइमा, मैं हैरान होता हूँ कि ये वो पाकिस्तान है जो 1980s में इट वाज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द डेवलपिंग वर्ल्ड. ये जो इंडिया की बात करते हैं हम, कोरिया की बात करते हैं, हमारा पर मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? डॉक्टर आसिफ का ये में आई स्टार्ट कनेक्ट हो गया था नेट. हेलो जी 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 दोबारा से रिपीट कर. अगर आप जी मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी ने आपको CCC की रेटिंग दी हुई है जैसा कि अयूब मेहर साहब ने बताया, तो आप मुझे बताएं कि दूसरी तरफ अभी पिछले दिनों IMF का स्टेटमेंट आया है, उसने 6 ग्रुप्स अनाउंस किया है जिसको उन्होंने अंडर प्रेशर कंट्री अनाउंस किया है और पाकिस्तान अमंग 6 अंडर प्रेशर कंट्रीज. जब IMF जैसा बड़ा इदारा जिस पर आप भरोसा करते हैं, जिसके डिक्टेशन पे आप काम करते हैं, जिसके डिक्टेशन पे आप बजट बनाते हैं, तो इससे भी मैं बात करूंगा कि हमारी कौमी सालमियत, हमारी खुददारी कहाँ चली गई कि IMF हमारा बजट बना रहा है. और इसके पीछे मैं हैरान होता हूँ कि हमारा फेडरल गवर्नमेंट जो है, हमारी फिस्कल पॉलिसी भी जो है ना, कुड यू बिलीव के हमारी स्टेट बैंक IMF के साथ मिलकर बना रही होती है, क्योंकि हमारे टोटल बजट का 51% तो सूद के मद में चला जाता है बैंक के पास. और आप अंदाजा लगाएं कि हु इज एंजॉयिंग द इकोनॉमी. तो सूरत हाल ऐसी है कि तमाम कंडीशंस के पीछे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये आ जाती है कि आपने जिक्र भी किया था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही, SIFC के परफॉर्मेंस, SIFC बन चुका है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए. मैडम, 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है इकोनॉमी, लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव. ये 4 पिलर्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी के, और पाकिस्तान ये चारों पिलर्स में कोलैप्स कर चुका है. माजरत के साथ ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये कि सही है कि नाजुक मोड़. आप नहीं, आप नाजुक मोड़ का तो लफ्ज आप मोहतात होकर इस्तेमाल कर रहे हैं. कोलैप्स मींस ये रीगेन. नहीं, रीबिल्ड तो होती है ना हर चीज, रीबिल्ड तो पॉसिबिलिटीज होती है, सस्टेन तो कर सकते हैं आप. लेकिन जो सूरत हाल है कि आज हमारा फाइनेंस मिनिस्टर आता है, उसका एक ही काम होता है कि कर्ज लेके कर्ज उतारो, जैसा कि अयूब मेहर साहब ने भी कहा. बिल्कुल ऐसा है पाकिस्तान. आप एक इंडिकेटर्स होते हैं, एक इंडेक्स होती है जिसको हम पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इंडेक्स कहते हैं. पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इंडेक्स की जो रेंज होती है +0.25 से -0.25, -0.25 का मतलब होता है वी आर वेरी वीक इन द पॉलिटिकल, आवर सिस्टम इज वेरी वीक। अगर आप प्लस माइनस में लेकिन पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इंडेक्स है दैट इज -1.7। अब सवाल ही पैदा होता है कि जब आपके मुल्क में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगी, और इसके साथ साथ एक और मैं हवाला भी दे दूं ताकि आपको इस बात कंफर्म हो जाए, वर्ल्ड बैंक की स्टडी है, उन्होंने तकरीबन 195 कंट्रीज की 64 साल का पैनल एनालिसिस किया। उन्होंने सिर्फ इस चीज को आइडेंटिफिकेशन के लिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो उनकी फाइंडिंग भी यही बताती है कि जिन जिन मुल्कों में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है काफी सस्टेन रही है। मामला ये है कि हम बड़ा रोल प्ले करती है, बल्कि मैं कहूंगी कि सारी फोर्सेस करती हैं, ये सारी फोर्सेस जो आप बात करें ना, सारी पेस्टल आप देख लीजिए, जितना पूरा पेस्टल कर लें पाकिस्तान का। हाँ, तो आप ये देखें कि मैडम बहुत सारी मामला है। अब जिस तरह के पिछले दिन, अभी 2 दिन पहले अच्छी खबरें भी हैं, मैं उसकी तरफ भी आता हूँ, अच्छी खबरें भी हैं, लेकिन उससे अच्छी खबरों में भी कुछ मैनिपुलेशंस है, उसकी भी बात मैं करूंगा। अभी पिछले दिनों, बल्कि कल रात की बात बता रहा हूँ, फिगर्स जो होते हैं ना, आम आदमी, देखिए हम यहाँ पे जो डिबेट्स कर रहे हैं, हम इस तरह की सहल गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि आम आदमी तक पैगाम पहुंचे। देखिए आम आदमी को अगर मैं बताऊं कि हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, सिंपल जो है बात कर रही हूं, आम आदमी को नहीं पता होता है। डॉक्टर साहब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, जी, अब मसला ये होता है कि आम आदमी को इन फिगर्स का नहीं पता होता है कि CPI क्या हो गया। आम आदमी को पता, मैं और आप, हम भी यही कहते हैं कि जब वो मार्केट में जाता है, बाजार में जाता है, आटा खरीदता है, चावल खरीदता है, जरूरियाती जिंदगी की चीजें खरीदता है, तो उसको पता चलता है कि वो कहाँ पे खड़ा हुआ है। फिर वो देखता है कि हुकूमती दावे तो है कि 38 से 17 पे होने का मतलब है जो शख्स चंद दिन पहले 1 रोटी खा रहा था, अब वो 2-2.25 रोटियां खाएगा। जो शख्स 1 लीटर पेट्रोल भरवा रहा था, आज 2 लीटर या 2.25 लीटर पेट्रोल भरवाएगा। हुकूमती दावे प्रैक्टिकली हो रहा है, प्रैक्टिकली नहीं हो रहा है, ये सिर्फ फिगर्स की मैनिपुलेशन है। यही हो रहा है कि अगर जो इंसान 2 रोटी खा रहा था, आज वो 1 रोटी खा रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली। अब मसला पता है क्या है, इसी मसला पता है क्या है कि अगर जो आप लेके आ रहे थे ग्रोसरी, वो आप हाफ लेके आ रहे हैं, उसी हाफ भी नहीं, बल्कि मैं तो समझ रही हूँ उससे भी कम, उसी अमाउंट में जो आपकी बजट है। तो ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो लोगों की, तो जो हुकूमती दावे हैं कि हमने 17% कर दिया है, तो ये बज़ाहिर नजर नहीं आते। हमें पता है क्या होता है कि हम सिर्फ वादे करते हैं फिगर। इससे पहले भी इस हुकूमत ने माजी में उन्होंने बड़ी जबरदस्त मैनिपुलेशंस की थी डाटा में। उसके बाद जब इन्होंने IMF को और वर्ल्ड बैंक को डाटा दिया, तो उनको पता चला कि नहीं जनाब, ये तो डाटा सारे मैनिपुलेटेड है। तो उन्होंने वर्ल्ड बैंक ने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, पाकिस्तान की ग्रोथ जो है 2% से नहीं होगी, 0.5% से होगी। क्योंकि हम डाटा में, आज भी हमारे साथ यही हो रहा है। मसला पता है क्या है, आप ये देखें कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी चीज होती है ट्रांसपेरेंसी का मसला है। ट्रांसपेरेंसी का मसला इस तरह से है कि मैं छोटी सी बात करूंगा कि टोटल जो लोग पाकिस्तान में टैक्स देते हैं, वो 40 लाख के करीब लोग टैक्स देते हैं। 26 करोड़ की आबादी है और 40 लाख लोग टैक्स देते हैं, और वो भी हम जैसे लोग हैं जो सैलरीड है। मैं आपको वही फोकस करना चाह रहा हूँ, मैं बड़ी जबरदस्त बात आपकी इंफॉर्मेशन में लाना चाह रहा हूँ। 40 लाख लोग टैक्स देते हैं, और कम उबेश 35 से 40 लाख जो है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी है। तीसरी बात, और खास तौर पे मैं थोड़ा ट्रिकल डाउन करूंगा इसमें चीजों को, मैं FBR की तरफ आऊंगा, और FBR में तकरीबन 24 से 25 हजार जो है ना एम्प्लॉयज है। अच्छा, ऑटोमेशन के बाद 24-25 हजार लोगों की जरूरत नहीं है, 3 से 4 हजार लोग काफी हैं ऑटोमेशन होने के बाद। 2021, 2022 और 2023 की रिपोर्ट है, ठीक है, कि FBR के 600 ऑफिसर्स ने टैक्स रिटर्न ही जमा नहीं कराया। वो इदारा जो टैक्स कलेक्ट करता है, वो जो इदारा इसको इम्पोज करता है, उस इदारे के ऑफिसर जो है टैक्स नहीं चाहते। तो पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी का लेवल ये है। दूसरी बात ये कि अगर 40 लाख लोग टैक्स देते हैं, तो 40 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी हैं, तो जरा गवर्नमेंट ऑफिसर्स की ऑडिट होनी चाहिए, सख्त ऑडिट होनी चाहिए कि आखिर वो टैक्स दहंदागान अगर आवाम है, तो ये 40 लाख अफराद क्या कर रहे हैं इस मुल्क में जो टैक्स नहीं दे रहे, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, या FBR के ऑफिसर्स टैक्स क्यों नहीं दे रहे हैं। मसला ये है कि आप देखें अभी आईएमएफ की तरफ हम जाएंगे तो उसकी भी बात करते हैं, तो इस तरह की एक अजीब व गरीब सूरत हाल है। आप देखें कि अभी आपने बात की थी कि एफडीआई क्यों नहीं, अरे ट्रस्ट डेफिसिट का बहुत बड़ा मसला है। आपने जो है जो हमारे लोग बाहर हैं उनकी बात की आपने कि वो पैसा नहीं भेजते, ट्रस्ट डेफिसिट का मसला है। वो ये समझते हैं कि हमारा पैसा महफूज हाथों में नहीं है। आप देखें कि रेमिटेंसेस हमारा ट्रस्ट हमें रिगेन करना पड़ेगा। 33 अरब $33 बिलियन हमारा जो था रेमिटेंसेस था, जो घट के जो है तकरीबन 26-27 बिलियन डॉलर तक महदूद होके रह गया है। इसे 7-8 बिलियन डॉलर का कम हो जाना कोई आम बात नहीं है। अब दूसरी चीज ये होती है कि पिछले दिनों हुकूमत ने दावे किए हैं कि मार्च में कि हमने हमारे यहाँ जो है तकरीबन 3 अरब डॉलर जो है फॉर ये जनाब रेमिटेंसेस आए हैं। तो भाई 3 अरब डॉलर रेमिटेंसेस इसलिए आए कि रमजान का महीना था, लोग पैसा भेजते हैं अपने अजीज वकारीब को भेजते हैं, ईद के लिए पैसे भेजते हैं, और भी बहुत, तो इसलिए पैसे नहीं भेजते हैं। तो इसमें हुकूमती कारकर्दगी नहीं है, जिसकी वजह से हमारा ज़कात भेजते हैं बाहर से यहाँ पर देने के लिए। अच्छा असदुल्ला लाखों का एक क्वेश्चन है आपसे कि व्हाट अबाउट इकोनॉमिक क्राइसिस इन कश्मीर। इकोनॉमिक देखिए आजाद कश्मीर की बात कर रहे हैं ये। जी जी आजाद कश्मीर की बात कर रहे हैं असदुल्ला साहब, आप आजाद कश्मीर की बात करें प्लीज, या तो आप टेक्स्ट कर दें या अनम्यूट करके बता दें। क्या मकबूजा कश्मीर की बात हो रही है? आई थिंक आजाद की कर रहे होंगे क्योंकि अभी आजाद की बात कर रहे हैं। अभी चंद दिनों से जो है यस आजाद कश्मीर के मामला बिल्कुल कमोबेश वही है जो मतलब इधर के हैं। वी आर लिविंग इन कराची, हम भी उन तमाम चीजों को फेस कर रहे हैं। देखिए दो एक चीज ये होती है कि आवाज तो उठानी पड़ती है और ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर पीसफुल आप एहतजाज करते हैं और अपने हकूक के लिए निकलते हैं, सिविलाइज तरीके से करना चाहिए। और हुकूमत को भी एक सिविलाइज्ड गवर्नमेंट का और एक नेशन का मुजाहरा करना चाहिए कि भाई वी आर अ सिविलाइज्ड नेशन, क्योंकि दुनिया में मैसेज इमेज बहुत गलत जा रहे होते हैं। आप देखें कि पूरी दुनिया में एहतजाज होता है और इतने सिविलाइज तरीके से होता है कि बिल्कुल भी किसी को इरिटेट नहीं करता और अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करा देते हैं वो लोग। तो मतलब ये चीज हमें भी लर्न करनी जरूरी है आवाम के लिए। एग्जैक्टली दुनिया से, क्योंकि हमारे यहाँ आपको बता दूं इसी एहतजाज पे इकोनॉमिक फ्रीडम वो स्कोर होता है। इकोनॉमिक फ्रीडम स्कोर पाकिस्तान में जो है ना आउट ऑफ 148 है, तो हम बहुत लोअर लेवल पे स्टे करते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम। इससे पता चलता है कि हाँ हमारे यहाँ इकोनॉमिक फ्रीडम इकोनॉमिक फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ टू रेज योर टू फाइट फ्रीडम ऑफ वॉइस नहीं है, मतलब फ्रीडम वॉइस वाली चीज हमारे लिए मतलब ये बुरी बात नहीं है, लेकिन तरीका जो इख्तियार किया जाता है ना वो बहुत बुरा है। आपकी आवाज चली गई कुछ, आपका शायद माइक वगैरह निकल गया कुछ हो। खसारे का बजट है तो वो अगेन दे स्टार्ट लुकिंग टुवर्ड्स द आईएमएफ एंड अदर डोनर एजेंसीज। अब जब आप किसी के आईएमएफ के पास जाते हैं ना तो आईएमएफ जो है अपनी शराइत शरायत रखता है, ऐसे लेंगे लोन तो वो अपनी शरायत रखेगा ही ना, ये तो है ही। तो व्हाई आर वी गोइंग टू आईएमएफ, व्हाई? ये बात सवाल तो ये बनता है। हाँ एक्चुअली ये सवाल मैंने पिछले दिनों आई वाज सिटिंग विद द एक्स फाइनेंस मिनिस्टर इन अ प्रोग्राम, तो मैंने उनसे भी पूछा था तो उन्होंने कहा था मेरी मजबूरी हमारी मजबूरी है। अब डॉक्टर साइमा ये मजबूरी कैसी मजबूरी है? आप मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा कि मैं ज्यादा दूर नहीं जाता हूँ, जस्ट आफ्टर दी कोविड 2019 की बात करता हूँ जो कि हमारा 22वां प्रोग्राम था आईएमएफ का। 2019 में हमने आईएमएफ से लोन लिया था 6.5 बिलियन डॉलर। मैं बता रहा हूँ कि इस कॉन्सिक्वेंसेस देखें आप, 6.5 बिलियन डॉलर 2019 में, तकरीबन 4 या 4.5 अरब डॉलर हमें मिला। नई गवर्नमेंट आ गई, पुरानी गवर्नमेंट गई, नई गवर्नमेंट आई, नई गवर्नमेंट कहती है कि नहीं हमें ज्यादा पैसे चाहिए, तो पुरानी गवर्नमेंट जो पॉलिसी चल रही थी वो बीच में आईएमएफ के प्रोग्राम खत्म हो गए 4-4.5 अरब डॉलर पे। डॉक्टर साइमा उस 4-4.5 अरब डॉलर के मद में अगेंस्ट पाकिस्तान को 130 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। आईएमएफ ने कहा कि आप उसमें क्या किया, दो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स आई मीन टेलिंग यू कि एक डिस्काउंट रेट और एक एक्सचेंज रेट, बाकी छोड़ दीजिए आप, सिर्फ ये दो दो जो इन्होंने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए थे, इसके मद में पाकिस्तान को डिस्काउंट रेट देखें, बहुत दूर नहीं जाता, 2000 नवंबर 2021 में डिस्काउंट रेट हमारा 8.75% था, आज डिस्काउंट रेट जो है 22% पे है। मैं हैरान होता हूं कि हमारी मॉनेटरी साइड को क्या शऊर नहीं है। वाई वी आर ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल आवर इकोनॉमी फ्रॉम द डिमांड साइड। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है प्रोडक्शन। अभी अयूब महल साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है सप्लाई साइड, प्रोडक्शन साइड। हम क्यों नहीं फैसिलिटेट करते हैं, हम क्यों नहीं बिजनेस ईज लोन प्रोवाइड करते हैं, हम डिस्काउंट रेट को आज 1% पे नीचे लेकर आ जाए। सायमा, डॉक्टर सायमा, 1% नीचे लेकर आ जाए तो हकूमती खजाने से तकरीबन 400 अरब रुपए की महीना पर मंथ, यानी 4000 अरब रुपए की पर मंथ बचत होगी, और प्राइवेट सेक्टर की तकरीबन 1000 अरब रुपए की बचत होगी। इसका मतलब है 5000 रुपए इकोनॉमी में इंजेक्ट होगा, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी चलेगी, अगर हम डिस्काउंट रेट को 1% लेकर नीचे आ जाते हैं। एक खास बात बताऊं, जब मैंने कुछ लोगों से पूछा कि भाई आप स्टेट बैंक के लोगों से पूछा भाई आप डिस्काउंट रेट को नीचे क्यों नहीं लाते हैं, तो वो कहते हैं कि हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं, दिस इज द इंफॉर्मेशन फॉर ऑल। याद रखिएगा कि कभी भी डिस्काउंट रेट सीपीआई से बैलेंस नहीं होता है, सीपीआई से बैलेंस नहीं होता। डिस्काउंट रेट हमेशा बैलेंस होता है जनाब कोर इन्फ्लेशन से, और पाकिस्तान में इस वक्त कोर इन्फ्लेशन जो है 12.8% है। अगर 12.8% है तो डिस्काउंट रेट को समाउ 13, 14, 15% पे होना चाहिए। दूसरी बात, जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होती हैं, जो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड है, उसकी ट्रेडिंग हो रही है 14 से 16% पे। अगर 14 से 16% पे ट्रेडिंग हो रही है, इसका मतलब है मार्केट की डिमांड 16% है, ठीक है। और तीसरी बात, अगर हुकूमत के दावे करती है कि इन्फ्लेशन 17% पे आ गया है, तो फिर आप डिस्काउंट रेट को लेकर आए ना 18%। मैं नहीं कहता हूं कि आप बहुत सडनली, आप बहुत तेजी के साथ आप डिस्काउंट रेट को 14-15% पे लेकर आ जाए, लेकिन जो अभी रिसेंट पास में जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई है, एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि ये तकरीबन मीटिंग लेस देन अ मिनट रह गया, खत्म हो जाएगी इसी लिंक से, ठीक है। तो ये ठीक हो गया, शुड आई कंटिन्यू? जी, दूसरी दोबारा ज्वाइन करके, क्योंकि बस ये डिस्कस हो गया जी।